तो दोस्तों फाइनली इंडिया के अंदर अब जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा Redmi Note Pro, क्योंकि दोस्तों इसकी जो चाइना के अंदर लॉन्चिंग की डेट है वो कन्फर्म हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर क्या कुछ आपको स्पेक्स देखने को मिलने वाले हैं, साथ ही क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलने वाली है Redmi Note 7 Pro से, तो ये सभी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ पर बात करते हैं Redmi Note Pro के बारे में। अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर सबसे पहले इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 6.39 इंच की डिस्प्ले, जो एक IPS LCD डिस्प्ले रहने वाली है, जो आएगी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। साथ ही यहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों बात की जाए यहां पर बैक की, तो बैक में भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन देखने को मिलने वाला है। साथ ही आपको बैक में देखने को मिलेगा क्वाड कैमरे का सेटअप, जिसका जो प्राइमरी सेंसर होगा वो 64 MP का रहने वाला है और सेकेंडरी सेंसर आपको मिलेगा यहां पर 8 MP का, जो एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा। और थर्ड सेंसर आपको मिलने वाला है 2 MP का, जो एक डेप्थ सेंसर होगा। इसके बाद में आपको 2 MP का एक एक्स्ट्रा सेंसर देखने मिलने वाला है, जो एक TOF सेंसर रहने वाला है। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको बैक में ही LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई इन सभी के बारे में। इसके अलावा दोस्तों अब जो इसकी हैंड्स ऑन वीडियो है वो भी सामने आ चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें अब स्क्रीन पर। और साथ दोस्तों इसके अलावा जो कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। अगर दोस्तों बात की जाए यहां पर प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों प्रोसेसर कन्फर्म हो चुका है Xiaomi की तरफ से। जो Redmi Note Pro रहने वाला है उसमें आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक हेलियो G90T, जो एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 से अच्छा प्रोसेसर रहने वाला है। अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पर बैटरी की, तो बैटरी आपको देखने को मिलेगी 4500 mAh की, जो आएगी फास्ट चार्जिंग के साथ में। साथ ही यहाँ पर आपको USB टाइप सी 3.5 mm ऑडियो जैक, IR ब्लास्टर आदि देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों बात की जाए अब इसके रैम और रोम के बारे में, तो यहाँ पर आपको 4GB रैम और 64GB रोम से स्टार्टिंग देखने को मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों आप 256GB तक का माइक्रो SD कार्ड भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात की जैसे लॉन्च डेट के बारे में और प्राइस के बारे में, दोस्तों जो Redmi Note Pro है ये चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है 29 अगस्त को। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो कुछ अन्य इसके जो लीक्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका कैमरा सेटअप रहने वाला है उसमें आपको 25x की जूम देखने को मिलने वाली है। साथ ही आपको लिक्विड कूलिंग भी देखने को मिलने वाली है प्रोसेसर के लिए, यानी कि यहाँ पर आपको बहुत कुछ खास देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आ रही है। और दोस्तों जो अगर बात की जाए इसके प्राइस की, दोस्तों इसका जो प्राइस होगा वो लगभग 13,000 से लेकर 16,000 के बीच में रहने वाला है, और ये सितंबर महीने के दौरान इंडिया में लॉन्च हो जाएगा।